ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी मोगा में। थैंक यू। और आपकी ज्वाइनिंग कुछ समय हुई है जब देश में बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाना है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को लेकर आपकी ओर से क्या जनता को मैसेज दिया जा रहा है, क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनज़र मोगा पुलिस द्वारा जो है अपनी विजिबिलिटी ऑफ फोर्स बढ़ाई गई है। हम डेली कोई ना कोई ऑपरेशन जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। जैसे आज हमारे बस स्टैंड्स की चेकिंग चल रही है, कल हमने जो हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी चेकिंग कराई थी, और शाम में नाकाबंदी करा रहे हैं। कभी सिटी सीलिंग, कभी डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान्स लगते हैं हमारे। तो इस हिसाब से जो हमारी डेली पेट्रोलिंग्स हैं, नाकाबंदीज हैं, एरिया डोमिनेशन हैं, अलग अलग जगहों की चेकिंग है, पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सो उनकी कॉन्टिन्यूस चेकिंग चल रही है। हमारा यही मैसेज है पब्लिक को कि जो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आम जनता में वो बनी रहे, और इसके अलावा माड़े अंसरों में जो है इसका दबाव बने।